खुश है कि आप सबों के साथ ये दो दिन प्रभु का वचन का अनुभव और प्रार्थना में मेल मिलाप में पवित्र आत्मा से भरपूर होने के लिए। हमारे सब्जेक्ट ये है, हमारे विषय ये है, प्रचार करना है। प्रभु ने यही खास सबों को बताया है कि जो मत्ती का सुसमाचार में अग्र वचन में ले लिखा है, संत मत्ती का सुसमाचार 28 अध्याय पर तब ईसा ने उसके पास आकर कहा, अध्याय 28 18 पद संज्ञा 18, तब ईसा ने उनके पास आकर कहा, मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है, मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है, इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ, सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बापतिस्मा दो। मैंने मुझसे जो आदेश दिया है तुम लोग उनका पालन करना, उन्हें सिखलाओ और याद रखो, सब लोग बोलिए और याद रखो, सब लोग हाथ उठा के बोलिए, क्या बोला, और याद रखो एक साथ, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं, और एक बार, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। जब प्रभु ईसा मसीह सदा हमारे साथ रहेगा तो ईसा मसीह के साथ और कौन कौन रहेगा, और कौन कौन रहेगा, पवित्र आत्मा और पिता परमेश्वर। सो पिता, इसलिए हम अभी गीत में गाए, पिता हमारे साथ, पुत्र हमारे साथ, स्वर्ग का राज है मुझ में। तो हम लोग ये नहीं समझना चाहिए मैं बहुत काम करता है, मैं अकेला करता हूं, नहीं, ईश्वर का वचन का घोषणा करते वक्त, सुसमाचार का प्रचार करते वक्त हम नहीं, प्रभु स्वयं हमारे साथ रहते हुए वही प्रभु ही सब कुछ करता है। इन दिनों में हम ये सीखना चाहिए कैसे प्रभु हमारे साथ कार्य कर रहा है। जब हम सुसमाचार के काम के लिए निकलते वक्त कैसे प्रभु ईसा मसीह और पवित्र आत्मा और पिता परमेश्वर हमारे साथ कैसे कार्य कराता है,
इसलिए हमारे वो गीत में सबसे पहला शब्द यही है, वो आत्मा। अभी आप लोग गीत लिखा है ना, ये गीत 30-35 साल के पहले पवित्र आत्मा मुझे दिया था। हम लोग हमेशा पवित्र आत्मा को पुकारता है, पवित्र आत्मा आओ आओ, ठीक है आएगा, लेकिन हमें ये याद करना चाहिए पवित्र आत्मा हमारे अभ्यंतर में निवास है। पवित्र आत्मा हमारे साथ हमेशा है। प्रभु ईसा ने कहा, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ हमेशा के लिए आऊंगा। योहन का सुसमाचार अध्याय 14:15, योहन अध्याय 14:15, यदि तुम मुझे प्यार करेंगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करेंगे। मैं पिता से प्रार्थना करूंगा, कौन प्रार्थना करूंगा? प्रभु ईसा मसीह। तो ईसा मसीह हमारा प्रधान पुरोहित है, वो ईसा मसीह हमारे लिए प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। अभी कुछ पहले हमने वो देखा, मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा, यहां पर कहता है कि वो पवित्र आत्मा सदा तुम्हारे साथ रहेगा। तो पवित्र आत्मा हमारे साथ हमेशा है, इसलिए एक गीत में ऐसा प्रार्थना लिखा है, ओ आत्मा पावन आत्मा, गाइए, ओ आत्मा पावन आत्मा अंतर्यामी पवित्र आत्मा, सब मिलकर, ओ आत्मा अंतर्यामी परमात्मा, तेरा निवास है मेरे हृदय में, बस जाओ मुझ में, बस जाओ मुझ में। ये सिर्फ एक गीत नहीं है, यह सच्चाई है, सत्य है, समझ में आया? ये इसके लेकर हम आगे बढ़ना चाहिए। मेरे जीवन में अभी 33 साल हो गया, रोज मैं यही प्रार्थना करता, हे प्रभु पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा तू मेरे हृदय में निवास है, मुझे भर दीजिए, प्रेम से भर दीजिए, ज्ञान से भर दीजिए, शक्ति से भर दीजिए। और एक बार ये गीत गाते हुए अब सचमुच में ये अनुभव पर आइए, ओ आत्मा पावन आत्मा हम, अंदर परमात्मा तेरे निवास है मेरे हृदय में, बस जाओ मुझ में, बस निवास है मेरे हृदय में, बस जाओ मुझ में, बस जाओ मुझ में। वेरी गुड, आत्मा अंदर, नेक्स्ट स्टेप और अगले बात कैसा है,
जल का स्रोत मुझ में बहा दो, कर मेरे हृदय में तेरी प्रेम की अग्नि ज्वाला। जीवन जल का स्रोत मुझ में बहा दो, प्रज्वलित कर मेरे हृदय में तेरी प्रेम की अग्नि ज्वाला। ओ आत्मा प्राण आत्मा अंतर्यामी परमात्मा, अभी आपको एक बहुत सौभाग्य है, हम लोग किताब में बहुत सारा गीत लिखा हुआ है, हमें मालूम नहीं है कौन लिखा है, जरूर बहुत अच्छा लोग लिखा है, लेकिन यहाँ पर जिस व्यक्ति से पवित्र आत्मा ये गाना लिखवाया उसके साथ गाने का मौका मिला है ना। हालेलुया। और ये गीत इस 33 साल रोज, वो पहले ये मलयालम में लिखा है, फिर मलयालम से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी, और भी बहुत गीत मैं लिखा, आपको शायद मालूम होगा दूसरा ये गीत आप सबों को मालूम होगा, वो बहुत फेमस हो गया, कलवारी से तिना हूँ मैं प्रभु यीशु की आवा, तेरी माँ तेरी माँ से मरियम मेरी माँ, मेरी माँ मेरी माँ। ओके, ये गीत भी प्रभु मुझसे लिखवाया है, अभी आप वो आदमी को देखा है ना। आप बहुत साल से एक गीत गाते थे लेकिन मालूम नहीं था ये किसका लिखा हुआ है ना, अभी आप उनके साथ, आप सोचा ये कोई बड़ा आदमी लिखा होगा लेकिन अभी देखा तो बहुत छोटा आदमी लिखा है। ओके तो ये सब गीत का अंदर सत्य है, सत्य सत्य सत्य। मैं इसलिए ये पहला गीत को बहुत बार हम गाते हुए ये आप लोग ये 2 दिन में अच्छी तरह सीखना चाहिए, ताकि 2 दिन के बाद आप अपने जगह पर जाते वक्त सब लोग पूछा है कैसे रहा कैसा रहा, आप वहाँ पर जाके क्या लाया है, आप क्या बोलेंगे, हो आत्मा पावन आत्मा अंतर्यामी परमात्मा, वही मैं लाया हूँ। है ना, और हमें ये मतलब प्रचार एवेंजलाइजेशन मतलब क्या है सचमुच में, सबसे पहले क्या अनुभव मुझे हुआ है, क्या अनुभव हम लोगों को हुआ है, वो अनुभव बांटना पड़ेगा, मुझे ये अनुभव हुआ है। अच्छा और बताइए क्या अनुभव हुआ है, तब उन लोगों को बहुत दिलचस्पी है क्या अनुभव। तो ईश्वर का वचन एक, और एक चीज हमारा कलेसिया का, कलेसिया ये बोलता है कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च, ये अभी हिंदी में बन रहा है, थोड़ा थोड़ा मैं इसमें से बताएंगे, हमारे कलेसिया कलेसिया क्या प्रचार करना चाहिए वो सब कलेसिया हमें सिखाता है,
वही हम सिखाना चाहिए दूसरे को, कलेसिया का सिखावत। हम अपने मन में जो ऐसा है, मेरा अनुभव यह है, अनुभव और वो कलेसिया का पढ़ाई है। तो कलेसिया का पढ़ाई, ईश्वर का वचन और अपना अनुभव, ये मेल मिला के हम प्रचार करेगा तो बहुत बहुत आनंद होगा, बहुत अच्छा होगा, बहुत अनुभव होगा, लोगों पर प्रभु का शांति और आनंद होगा। आजकल सबों के परिवार में एक नहीं तो दूसरा तरीका से बहुत परेशानियां हैं, है ना, बहुत परेशानियां, बहुत परेशानियां हैं। तो सबसे पहले ये सब परेशानियों का कैसे संभालना चाहिए, ये परेशानी के बीच में हम लोग प्रभु को कैसे प्रवचन के द्वारा प्रभु का प्यार, प्रभु का, प्रभु को आराधना करते, कैसे इसको ये परेशानियों से हम मुक्ति प्राप्त होगा। मुझे बहुत पसंद है एक दूसरा गीत, आप सबों को मालूम है, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, आइए, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, यीशु दया का गहरा सागर, यीशु दया, यीशु है दादा, हाँ, यीशु है दा, अच्छा अभी नेक्स्ट, चरणी में, सॉरी, चरणी में, ओ सॉरी, और ऊंचा हो गया, यही हमारा प्रॉब्लम है। चरणी में तूने जन्म लिया यीशु, चरणी में तूने जन्म लिया यीशु, सूलिप किया कुर्बा, सूलिप किया कुर्बान, और एक बार, चरणी में तूने, चरणी में तूने सूलिप किया कुर्बान, सूलिप किया कुर्बान, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए। ओके, बस बस, अब इसमें ये हम लोग गाते हैं बहुत बार, लेकिन इसके अंदर क्या सत्य, सत्य क्या है? चरणी में जन्म हुआ, सूली पर किया विश्राम, यही हमारा हकीकत प्रभु ईसा मसीह। लेकिन इसको गहराई से हम समझना चाहिए। अभी हम लोग जो पहले गीत जो सीखा है उसमें एक लाइन ऐसा है, ईश्वर इम्मानुएल बना, देखिए, ईश्वर इम्मानुएल बना, मैं पापी उसका बेटा बना। देखो सब मिलके, ईश्वर इम्मानुएल बना, मैं पापी उसका बेटा। देखो अभी ये दोनों लाइन अच्छा से समझना चाहिए। एक मुक्ति,
संसार का मुक्तिदाता है प्रभु, संसार का मुक्तिदाता। मेरा एक अनुभव ऐसा है, मैं मुंबई से जबलपुर जाने वाला था ट्रेन पर, बहुत साल के पहले मैं इंजीनियर काम करते हुए जबलपुर के पास कटनी नामक जगह पर, जैसे इधर चंद्रपुर में ACC सीमेंट फैक्ट्री है ना, वैसा सीमेंट फैक्ट्री कटनी में भी है, वही ACC कंपनी का। वो सीमेंट फैक्ट्री में बहुत सारा चीज बनाने का इंजीनियर था मैं। तो जाते वक्त उस समय मैं करिश्मा ही प्रार्थना का उतना मालूम नहीं पड़ा, लेकिन मुझे ईश्वर का वचन ग्रहण करने का, ईश्वर का वचन सुनने का, ईश्वर का वचन पढ़ने का बहुत दिलचस्पी था। तो उस समय पर कैसेट है ना, कैसेट जो टेप, तो छोटा सा एक टेप रिकॉर्डर भी था, छोटा सा वॉकमैन बोलता था हम लोग, वॉकमैन है ना, वो छोटा सा टेप रिकॉर्डर में मुझे ऐसा एक बक्सा, एक 20 कैसेट, मतलब एक बिंदी वास का पूरा कैसेट मुझे मिला। तो मैं सोचा ये तो अच्छा मौका है, मुंबई से मतलब पुराना बॉम्बे से जबलपुर तक कम से कम दो दिन का रास्ता है। इस समय पर मैं पूरा समय ये कैसेट सुनेगा, ताकि ये पूरा एक सुनकर वो सीखेगा। और मैं ऐसा नहीं सोचा उसके आग्रह में इतना बड़ा एक अभिषेक मुझे मिलेगा। वो कैसेट एक दूसरा सुनते आग्री कैसेट में जो बिंदु वास का आग्री में जो पवित्र आत्मा का अभिषेक का प्रार्थना होता है, उसी वक्त मैं भी प्रार्थना करने लगा, हे पवित्र आत्मा मुझ पे आओ, पवित्र आत्मा मुझसे भरो, पवित्र आत्मा मुझे अभिषेक दे दो, पवित्र आत्मा मुझे शक्ति दे दो पवित्र आत्मा। उसी वक्त अचानक ट्रेन का अंदर, ट्रेन में अपर बर्थ में था मैं, जो ऊपर वाला बर्थ में मैं लेते हुए सुनता था, अचानक पवित्र आत्मा मुझ पर उतना जोर से आया, मैं अन्य भाषा में बोलने लगा, शाला बकारा मिकिरिया लबारा हला बकारा शाला बला बला किरा बला हला बला हला, ऐसा हो गया। तो ये रेलगाड़ी में जो बाकी सब लोग था वो सब अचंभी में हो गए, इसको क्या हो गया। तो लोग उठकर मुझे देखा, तब मुझे होश में आया, मैं एकदम आवाज कम किया, तो मुझे पेंतेकोस्त का दिन जो शिष्यगणों को जो अनुभव हुआ, ऐसे अनुभव मुझे हुआ। मैं पवित्र आत्मा से भरपूर हो गया, अन्य भाषा में बोलने लगा। और उसके बाद मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि ये पवित्र आत्मा दूर में नहीं, ये ईश्वर कोई दूर में नहीं, ईश्वर कुछ आकाश आसमान के ऊपर नहीं, ईश्वर हमारे हृदय में है। बाप्तिस्मा द्वारा, पवित्र वरम प्रसाद द्वारा ईश्वर हमारे हृदय में निवास है। तब धर्म ग्रंथ में कुरिन्थियों का नाम पत्र में, पहले कुरिन्थियों का नाम पत्र, कुरिन्थियों का नाम पहला पत्र अध्याय 3, कुरिन्थियों का नाम पहला पत्र अध्याय 3:16 में लिखा है, कुरिन्थियों का नाम पहले पत्र अध्याय 3:16 पर लिखा है। आप लोग बाइबल है तो निकाल कर पढ़िए,
क्या आप ये नहीं जानते कि आप ईश्वर के मंदिर है, जो ईश्वर का आत्मा और ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है। सो मुझे सबसे पसंद ये लगा, वो पहला भाग यही लिखा है, क्या, सब बोलिए क्या, अब दूसरे को बोलिए क्या क्या आप यही नहीं जानते कि आप ईश्वर का मंदिर है। या दूसरों को थोड़ा सा एक थप्पा लगाओ, क्या क्या आप ये नहीं जानते हैं एक मार मारो, क्या आप ये नहीं जानते क्या आप ईश्वर का मंदिर है करिए क्या आप ये नहीं जानते आप ईश्वर का मंदिर है। ऐसा लगा संत पावलोस कहता है, क्या तुम ये नहीं जानते तुम ईश्वर का मंदिर है। सचमुच में अभी तक मरी नहीं मालूम था, हम लोग सोचा कि ईश्वर सब जगह पर है, ईश्वर आसमान में है, ईश्वर चर्च में है, ईश्वर यहाँ है वहाँ है। क्या करिए क्या आप ये नहीं जानते हैं, थोड़ा सा धैर्य होना पड़ेगा, क्या आप ये नहीं जानते हैं आप ईश्वर के मंदिर हैं और ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है। ये मुझे सचमुच अनुभव हुआ है, मुझसे कोई पूछता है, क्या तुम्हें नहीं जानते कि तुम्हारे हृदय ईश्वर का मंदिर है। इसलिए हमारा गीत का दूसरा स्टेप कैसा है, मैं हूँ मंदिर ईश्वर का, मैं हूँ निवास ईश्वर का, गाइए ईश्वर का, मैं हूँ निवास ईश्वर का, और एक बार, मैं हूँ मंदिर ईश्वर का, मैं हूँ निवास ईश्वर का, मैं हूँ मंजूषा, मंजूषा मतलब जो भरम प्रसाद देखता है ना, जो जो टैबरनेकल मंजूषा, मैं हूँ मंजूषा ईश्वर का, मैं हूँ बेटा, सॉरी देखो कैसे हम ईश्वर का बेटा बना, ईश्वर आसमान में रहते हुए कुछ चलाया नहीं। एक बार एक मदर थेरेसा का सिस्टर से मुझे, सिस्टर ने मुझे कहा, मैं मदर थेरेसा का सिस्टर लोगों को बिंदी उपवास देता था, तो वो सिस्टर बोला, मैं आज बाजार गया था, तब बाजार में मैं दूसरों को प्रभु के बारे में प्रचार करता है, तो मदर थेरेसा सिस्टर लोग, एमसी सिस्टर, वो प्रचार करने के लिए गया, तो एक एक बहन जी बोला, नहीं 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 मुझे मत बोलो, सब सब धर्म के धर्म सिखाता है ईश्वर को, ईश्वर को और ईश्वर को सबका सब ईश्वर को ले जाता है, सब धर्म मनुष्य को ईश्वर स्वर्ग को ले जाता है, सिर्फ आपका ईसा मसीह नहीं, इसलिए मुझसे मत बोलो। तब सिस्टर जी ने कहा, नहीं 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 सब धर्म स्वर्ग को ले जाता है, लेकिन हमारे धर्म दूसरा है, हमारे धर्म में ईसा मनुष्य पर आया, स्वर्ग मनुष्य को ढूंढ कर मनुष्य को साथ मनुष्य के पास आया। हमारा धर्म यह सिखाता है कि
स्वर्ग प्रभु येसु स्वर्ग छोड़कर मनुष्य के पास आया है, ऐसा है क्या? सब धर्म मनुष्य को स्वर्ग के बारे में बताता है, स्वर्ग पर ले जाता है, लेकिन हमारे धर्म प्रभु ईसा मसीह स्वर्ग छोड़कर मनुष्य के लिए मनुष्य बनकर मनुष्य के पास आ गया। ईश्वर मनुष्य के पास आ गया है, ऐसा है क्या? हाँ, वो बताइए बताइए उसके बारे में। देखा, वही सुसमाचार है। सुसमाचार, यही सुसमाचार। क्या है सुसमाचार? प्रभु ईश्वरी सुसमाचार है। हमारा कलेसिया का सिखावत यही है, सबसे बड़ा सुसमाचार क्या है? ईसा मसीह। क्या है वो? ईश्वर होते हुए वो छोड़कर मनुष्य बना और मनुष्य के पास आया। चरणी में तूने जन्म लिया यीशु, चरणी में, सब मिलकर सब मिलकर, चरणी में तूने जन्म लिया यीशु, चूली पर किया विश्राम। देखो किसके लिए? मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, सब मिलकर, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, हम सब बहुत ऊंचा हो गया। मैं जो प्रार्थना चलाते वक्त मैं ऐसा गाएंगे तो बाकी लोग बोलेगा, हाँ इतना ऊंचा लगा तो हम लोग कैसे आपके साथ गाएगा, इसलिए कोई नहीं गाता है। पर मुझे समझ में आया मैं थोड़ा सा नीचे से लेना चाहिए, है ना। ये मुझे पहले से ऐसा है, मैं थोड़ा एक्साइट हो जाता है तो मैं बहुत ऊंचा ले जाता है, लेकिन दूसरा किसी को गा नहीं सकता है। माफी करना। हम सब के पापों को मिटाने, हम सब के पापों को मिटाने, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ। आइए, तो सुसमाचार का सबसे पहला कलेसिया हमको ये सिखाता है, प्रभु ईसा मसीह स्वयं सुसमाचार है। क्राइस्ट इज द फर्स्ट गॉस्पल, गुड न्यूज, गुड न्यूज, सुसमाचार। ईसा मसीह ही गुड सुसमाचार है। क्यों? ईसा मसीह ईश्वर होते हुए वो छोड़कर ईसा मसीह मनुष्य बन गया, वही सबसे बड़ा सुसमाचार। तो हम जब भी दूसरों को ईश्वर के बारे में बोलते वक्त पहले ये बोलना चाहिए, ईसा मसीह स्वर्ग छोड़कर उतरा और मनुष्य बनकर मनुष्य के पास आया, वही हमारा धर्म का सबसे बड़ा जीत। अच्छा, अभी रेलगाड़ी का में क्या हुआ, मुझे बहुत आनंद हो गया था, फिर मैं ऊपर का बर्थ से नीचे आकर खिड़की के सामने बैठकर ठंडा हवा लेकर और ऐसा बैठते हुए रेलगाड़ी टक 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 जाता है तो मैं देख रहा है पूरा हिंदुस्तान खुला मैदान है और मुझे प्रभु दिखाता है, देखो ये हिंदुस्तान पूरा फसल फसल
बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े, फसल बहुत है लेकिन मजदूर नहीं है। और मुझे एक आवाज सुनने लगा, तुम मेरे लिए जाएगा, कैन यू गो फॉर मी। मैं तो अभी तक किसी को भी प्रभु के बारे में बोला नहीं है, वो तो फादर लोग सिस्टर लोग का काम है सोच के मैं बैठा है ना। ये प्रेरिदाई काम, सुसमाचार काम, वो तो फादर लोग सिस्टर लोग करने वाला था। लेकिन मुझे अभी ये महसूस हुआ कि ये हर विश्वासियों का ड्यूटी है, हमारा काम है। और मुझे ऐसे प्रभु कहा कि मेरे लिए तुम जाओ। तो मैंने कहा मुझे कुछ भी मालूम नहीं है कैसे करना चाहिए। तो प्रभु ने कहा वो सब मैं तुम्हारे अंदर निवास होते हुए मैं करूंगा। अच्छा ऐसा है तो मैं जाएगा। तो मैंने कहा यस। जब मैं यस कहा, मैंने कहा मैं जाऊंगा आपके लिए। उसी वक्त तुरंत हमको और एक पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला। पवित्र आत्मा मुझसे भरकर मुझे ऐसा अनुभव हो गया कि अभी भी मुझे याद है वो अनुभव। बहुत आनंद हृदय पर, बहुत शांति, क्या ईश्वर स्वयं मेरे हृदय पर। और मुझे पछतावा हुआ कि ये ईश्वर हमारे अंदर इतना बचपन से मेरे अंदर है लेकिन मैं उसको नहीं जाना। वही संत पावलोस का, क्या तुम्हें नहीं जानते हैं। तो सुसमाचार मतलब ये जानकारी देना। क्या जानकारी? अरे तुम्हारे अंदर में ईश्वर है। इतना हम सोचते वक्त एक आदमी रेलगाड़ी में मेरे पास आके पूछा, अरे भाई साहब आपको क्या हो गया? क्योंकि मैं जो बहुत ऊंचे से चिल्लाया ना, आपको क्या हो गया? मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ खराबी नहीं हुआ, मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ है, मैं प्रभु ईसा मसीह का अनुभव किया है। ओ का, ओ कौन है प्रभु ईसा मसीह? ये पूछने लगा। वो क्या होता है, वो कौन है ईसा मसीह? तब एक आदमी इसका दोस्त उसके पीछे जा, वो बोला अरे वो सो ईसाइयों का भगवान है, तुम्हारे साथ क्या संबंध है, हट जाओ। ऐसा कहा, इसको ले चलने लगा, वो तो ईसाइयों का भगवान है, तुम्हारे साथ कोई संबंध नहीं, हट। तो मुझे ऐसा लगा, अरे अरे ऐसा मत बोलो, ईसा मसीह ईसाइयों का कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। ईसा मसीह जब आया तो कोई ईसाई नहीं था। मुझे मालूम नहीं अभी कौन बोल रहा है। मैं कभी भी ऐसा सोचा भी नहीं था। लेकिन पहले बोला ना, मैं तुम्हारे अंदर है, मैं करेगा, तुम मेरा मुंह बनना चाहिए, बस उतना है। मुझसे मैं कभी नहीं इस बारे में सोचा नहीं था। लेकिन अभी बोलता है कोई मेरे अंदर, जब ईसा मसीह आया जन्म हुआ तो कोई ईसा ही नहीं था। सत्य है ना, सच है ना। ईसाई कब हुआ, ईसाई धर्म कब हुआ, ईसाई लोग कब हुआ? जब प्रभु ईसा मसीह मरने के बाद, स्वर्गारोहण के बाद,
पंतकोस पर पवित्र आत्मा आने के बाद जो लोग पवित्र आत्मा से भरपूर हुआ उसको लोग बोलने लगा, अरे वो तो ईसाई है। तो मैं ये भी कहा, जब प्रभु ईसा मसीह जब क्रूस पर जीवन समर्पण किया तभी भी कोई ईसाई नहीं था। तो प्रभु ईसा मसीह सिर्फ ईसाइयों के लिए नहीं आया, ईसा मसीह सबों के लिए आया है। तुम अगर हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, पंजाबी हो, पारसी हो, कोई भी हो, ईसा मसीह का आशीष अनुग्रह तुमको भी मिलेगा। ईसा मसीह सिर्फ ईसाइयों का परिवार नहीं है। इतना मैं बोला तो वो लोग अचंभी होते हुए मुझे सुनने लगा। उसके बाद पता नहीं माइक बहुत कुछ बोलने लगा। करीब 45 मिनट भाई भाषण दिया। उसके बाद ये जो पहले मुझसे जो बात पूछा वो मुझसे बोला, आपके पास वो ईसा मसीह का ऑटोबायोग्राफी होगा क्या? मैं बोला उसको ऑटोबायोग्राफी, जीवचरित्र ऐसा नहीं बोलते, उसको बाइबल बोलता है। तो मेरे पास वो एक हिंदी बाइबल था, इंग्लिश भी था, मेरा मलयालम भी था और एक हिंदी बाइबल भी था। मैं वो हिंदी बाइबल निकाल कर उसको दे दिया और उसको ये भी बोला, इसको तुम शुरू से पढ़ने से जल्दी ईसा मसीह को मालूम नहीं पड़ेगा, सिर्फ मरकुस का सुसमाचार पढ़ो, 16 अध्याय है। वो निकाल कर उसको दे दिया। यही हमारा पहला अनुभव था। और उसके बाद मैं कटनी पर आया, तब मुझे स्वीकार करने के लिए मेरा असिस्टेंट लोग था, इंजीनियर, मेरा असिस्टेंट इंजीनियर था। तब देखा तो वो बोला, मेरे साथ एक फादर भी आया है, अरे वहाँ का पल्ली पुरोहित भी आया है। हाँ, और मैं वो फादर से पूछा, ये मेरा अनुभव बोलते हुए, रेलवे स्टेशन में मैं कुटनी टेक कर फादर को बोला, मेरा सिर पर हाथ लगाकर मुझे आशीष दीजिए। देखो पवित्र आत्मा कैसे सब कार्य को किया है। और मैं उसको ये सब अनुभव जब बांटा, तब उन्होंने मुझे सीधा गिरजा में लेके गया, खाना पीना खिलाया और बोला, आप इधर ही रह जाओ। इधर ही रह जाओ कुछ दिन मेरे साथ, हम लोग यहाँ पर प्रार्थना करेगा, ये सब प्रवचन पढ़ेगा। इसलिए मुझे उधर मकान दिया था कंपनी वाला, मैं उधर नहीं गया, सीधा मुझे प्रभु का घर पर लेके गया। और उसके बाद मैं रोज ये फादर के साथ, जो हमारे धर्म प्रांत का, हमारे वो पैरिश का विलेज में गया, और फादर और मैं साथ पर ईश्वर का वजन बांटने लगा। और उसमें गरीब लोग, बहुत गरीब लोग था, और लेकिन उन लोग का हृदय से उन लोग जो गीत गाते हैं वो सब मैं सीखा, उन लोग का गीत है। ये जो मैंने लिखा गीत एक, वो सब उसके बाद हुआ है। उन लोग का गीत सुनने से मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं एक शायद आपको, आपका जगह पर ऐसा होगा कि नहीं मालूम नहीं है, एक गीत मैं सीखा वो ऐसा है, यीशु मेरे दाता, यीशु मेरे त्राता, उसका ही मैं गुण गाता, ऐसे ही गाता है वो लोग। मतलब एकदम फ्लैट यीशु, और उसके साथ वो ढोलक है, यीशु मेरे दाता, यीशु मेरे त्राता, उसका ही मैं गुण गाता। कोशिश कीजिए,
यीशु मेरा दाता, यीशु मेरा त्राता, उसका ही मैं गुण गाता। ये आप लोग के यहाँ पर है ये गीत है? हाँ, मतलब इसका सॉरी मुझे बहुत अच्छा लगा। देखो, यीशु मेरा दाता, यीशु मेरा त्राता, उसका ही मैं गुण गाता। यीशु मेरा दाता, यीशु मेरा त्राता, उसका ही मैं गुण गाता। वही है ईश्वर पुत्र प्यारा प्यारा, वही है ईश्वर पुत्र प्यारा प्यारा, परम पिता का वह न्यारा न्यारा, वही है सबका सहारा सहारा। यीशु मेरे ताता, यीशु मेरे ताता, उसका ही मैं गुण गाता। यीशु मेरे दाता, यीशु मेरे त्राता, उसका ही मैं गुण गाता। वही के ईश्वर पुत्र प्यारा प्यारा, गाइए। वही है ईश्वर पुत्र प्यारा प्यारा, परम पिता का वह न्यारा न्यारा, वही है सबका सहारा सहारा। यीशु मेरा दाता, यीशु मेरा ताता, उसका ही मैं गुण गाता। मुझे इतना आनंद हुआ कि ये विलेज के गरीब लोगों के साथ प्रभु को स्तुतिगान करते हुए। और बहुत दिन के बाद मैं वहाँ पर एक बाइबल कन्वेंशन करने के लिए आयोजन किया। अगल बगल के कलेसिया के सब लोगों को बुलाया और ये खबर बिशप स्वामी जी तक पहुंचा, तो बिशप भी बहुत दिलचस्पी लिया और एक दिन का एक बाइबल शिविर बनाया। बिशप स्वामी आया, बहुत सब फादर लोग आया और मैं बहुत भाषण किया। वो भाषण के बाद उसके आग्रह में पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना किया तो सब लोग पवित्र आत्मा से भरपूर हो गया। हल्लेलुया। उसके बाद वो जो फादर लोग आया था, वो लोग सब मुझे उनके अपने पैरिश पर बुलाने लगा उधर जाके। ऐसा मैं थोड़ा थोड़ा बहुत फेमस होने लगा। ऐसा बहुत बड़ा काम किया। तो मैंने शुरू में एक ही मुझे ये अनुभव मुझे दिया कि क्या क्या तुम्हें नहीं जानते हैं, क्या नहीं जानते हैं कि आप ईश्वर का मंदिर है और पवित्र आत्मा दूर में नहीं, पवित्र आत्मा हमारे हृदय पर निवास है। ओ आत्मा, पावन आत्मा, आइए। ओ आत्मा, पावन आत्मा, अंतर्यामी परमात्मा। ओ आत्मा, पावन आत्मा, अंतर्यामी परमात्मा। गाइए। नहीं नहीं, जीवन जल का स्रोत मुझ में बहा दो, प्रज्वलित कर मेरे हृदय में तेरी प्रेम की आग ने ज्वाला। ओके, ये इस वचन के बारे में है, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 7।
जोहन का सुसमाचार अध्याय 7 में प्रभु ईसा ने लोगों से कहा, जो प्यासा है मेरे पास आओ। योहन का सुसमाचार अध्याय 7:37। पर्व के अंतिम और मुख्य दिन ईसा उठ खड़े हुए और उन्होंने पुकार कर कहा, पुकार कर ऊंचे आवाज से, यदि कोई प्यासा हो तो वह मेरे पास आए। आइए सब लोग ऊंचे आवाज से, यदि कोई प्यासा हो, ऊंचे आवाज से, यदि कोई प्यासा हो तो वह मेरे पास आए। जो मुझ में विश्वास करता है वह अपनी प्यास बुझाए। जो मुझ में विश्वास करता है वह अपनी प्यास बुझाए। जैसे कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, उसके अंतरस्थल से संजीवन जल की नदियां बह निकलेगी। जिसके उसके अंदर स्थल से संजीवन जल की नदियां बह निकलेगी। और एक बार, उसके अंदर स्थल से संजीवन जल की नदियां बह निकलेगी। ये पवित्र आत्मा के बारे में कहा है। जो प्रभु पर विश्वास करते वक्त संजीवन जल का स्रोत हमारे हृदय पर आ जाता है, इसके आधारित वो ही लिखा है, जीवन जल का स्रोत मुझ में बहा दो। सब मिलकर, जीवन जल का स्रोत मुझ में बहा दो। एवरीबॉडी सब मिलकर, और एक बार, जीवन जल का स्रोत मुझ में बहा दो, प्रज्वलित कर मेरे हृदय में तेरी प्रेम की अग्नि ज्वाला। ओ रोमियों के नाम पत्र में अध्याय 5वां वचन, रोमियों के नाम पत्र अध्याय 5 में लिखा है, पवित्र आत्मा जो हमें निवास करता है। रोमियों के नाम पत्र अध्याय 5:5, आशा व्यर्थ नहीं होती। सब लोग पढ़िए, आशा व्यर्थ नहीं होती, क्योंकि ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान दिया है। ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है। सब लोग, ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है, और उसके द्वारा ही ईश्वर का प्रेम हमारे हृदय में उमंड पड़ा है। सब लोग एक हाथ ऊंचे उड़ाकर ऊंचे स्वर से बोलिए, और उसके द्वारा ही ईश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उमंड पड़ा है। सो संजीवन जल की नदियां हमारे हृदय से बह निकलेगी। तो पवित्र आत्मा हमारे हृदय पर है, वो पवित्र आत्मा द्वारा ईश्वर का प्रेम हमारे हृदय पर
भरपूर होगा। जीवन जल का स्रोत मुझ में बहा दो, सब मिलकर जीवन जल का, प्रज्वलित कर मेरे हृदय में तेरी प्रेम की अग्नि ज्वाला। ओ आत्मा, पावन आत्मा, अंतर्यामी परमात्मा। अभी सब लोग उठ खड़े होते हुए थोड़ा प्रभु को स्तुति करते हुए पवित्र आत्मा से भरने के लिए प्रार्थना कीजिए। उसके बाद हम चाय पानी पीने के लिए जाएगा, थोड़ा उसके बाद मिसा बलिदान के लिए तैयार होगा। आइए सब लोग उन हाथ उड़ाते हुए स्तुति कीजिए। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु की स्तुति हो, सब मिलकर यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तू ही मेरा जीवन दाता है। हे प्रभु यीशु, तू मेरा मुक्ति दाता है। हे प्रभु यीशु, तू मेरा जीवन का ज्योति है। हे प्रभु यीशु, तू मेरा जीवन का ज्योति है। हे प्रभु यीशु, तू मेरा मुक्ति दाता है। हे प्रभु यीशु, तू मेरा जीवन का रोटी है। हे प्रभु यीशु, तू मेरा जीवन का मार्ग है। हे प्रभु यीशु, तू मेरा जीवन का जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, तू ही पुनरुत्थान और जीवन है। तू ही पुनरुत्थान और जीवन है। तू संसार का ज्योति है। हे प्रभु यीशु, तू संसार का ज्योति है। तू संसार का मुक्ति दाता है। तू संसार का मुक्ति दाता है। हल्लेलुया, 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 हल्लेलुया। तालियां बजाते हुए हल्लेलुया, 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 हल्लेलुया। जोर से हल्लेलुया, हल्लेलुया। हे प्रभु पवित्र आत्मा, हे प्रभु पवित्र आत्मा, हल्लेलुया, हल्लेलुया। पवित्र आत्मा मुझे भर दीजिए, पवित्र आत्मा मुझे भर दीजिए, प्रेम से भर दीजिए, प्रेम से भर दीजिए। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। मुक्ति दिलाइए यीशु ना, शांति दिलाइए यीशु ना, मुक्ति दिल शांति दिल, मुक्ति दिलाइए। यीशु दया का गहरा सागर, यीशु दया का गहरा सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। यीशु दया का गहरा सागर, यीशु है दाता महान। यीशु है दादा, चरणी में तूने जन्म लिया। यीशु चरणी में तूने जन्म लिया। यीशु सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम।